दो और तीन दिसंबर 71 की रात को इंडियन फ्लीट के कुकरी और किरपान एक खास किस्म की सर्च कर रहे थे। वो आ रहे थे कराची की तरफ, तो मैंने फिर अपने एरिया को शिफ्ट किया। इनके जहाज जो कुकरी और किरपान थे वो शेलो वाटर में थे, तो हम तकरीबन 60-65-70 मीटर की डेप्थ पे चले गए। तो वो एक रेक्टेंगुलर और सर्च पैटर्न कर रहे थे, उसको हमने स्टडी किया और वो सर्च पैटर्न पे फिर हम ज्यादा नहीं एक लेग पे हम खड़े हो गए। और जब वो आए तो हमने सोना अप्रोच मीन्स कि पेरिस्कोप अप्रोच नहीं, 40 मीटर की डेप्थ से हमने पहला टॉर्पेडो फायर किया जो कि किरपान के ऊपर किया। फौरन हमने टर्न राउंड करके कुकरी, तो अल्लाह ने यही देना था कि कुकरी वाज स्क्वाड्रन कमांडर का जहाज था बड़े सीनियर का, तो हमने टर्न राउंड करके कुकरी के पीछे फायर किया क्योंकि निकल गया पीछे उसके, और ये टॉर्पेडो उसके मैगजीन में लगा, उसका मैगजीन क्योंकि वो एंटी सबमरीन फ्रिगेट था ना, तो 50-60 टन उसके पास एम्यूनिशन होता है हमारे खिलाफ, तो उसके वो पीछे होता है उसमें लगा, तो दो एक्सप्लोजन हुए, एक उसका अपना और चंद ही फ्रैक्शन सेकंड के बाद ह्यूज एक्सप्लोजन कि ये जो 60 टन के करीब उसका अपना एम्यूनिशन था वो भी एक्सप्लोड हो गया और वो जहाज तकरीबन 2 मिनट के अंदर अंदर वो डूब गया। तो उसके फिर जब डूब गया तो फिर उस तकरीबन 180 के करीब उसके बंदे वैसे मारे गए और कोई 60-70 तैरते रहे पानी में राफ वाफ, उनको फिर अगले दिन इंजन ने पिकअप किया। मैंने दो टॉर्पेडो फायर किए, पहले भी किया एक और भी सेल्फ डिफेंस भी किया, तो मेरी पोजीशन पता लग गई उनको, तो मुझे तो अपना क्रू और अपने के लिए सेफ्टी के लिए आना था। तो फिर हम कराची की तरफ रवाना हुए,